नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं नताशा दलाल और वरुण धवन की शादी की। तारीख आज ही की है। बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी कि शायद ये अफवाह है, लेकिन हमारे पास हमारे सोर्सेस ने वो लिस्ट भी पहुंचा दी है जिन लोगों को इनविटेशन दिया गया है और जिन लोगों को शादी से दूर रखा गया है। सबसे पहले उन लोगों का जिक्र जो कि इस शादी में मेहमान नहीं होंगे। जी हाँ, इसमें एक नाम गोविंदा साहब का है, चीची मामा जिनको कृष्णा बुलाते थे। और चीची इस शादी में क्यों नहीं होंगे, आपको उसकी वजह शायद पता होगी अगर आप बॉलीवुड की थोड़ी सी खबरों को जानते हैं, समझते हैं, रुचि रखते हैं इसमें। क्योंकि पहले तो एक वक्त पर निश्चित तौर पर हिट कॉमेडीज़ का मतलब सिर्फ दो नाम थे, एक नाम था गोविंदा और दूसरा नाम था डेविड धवन। लेकिन इसके बाद जब इन दोनों के बीच रिश्ते ख़राब होते हैं तो फिर वरुण धवन ने भी गोविंदा को अवॉइड किया है शादी में बुलाना। लेकिन इसके साथ साथ बच्चन साहब भी शादी में नहीं इनवाइट किए गए हैं। वो नहीं आते ये एक दूसरी बात होती, वो इनवाइट नहीं किए गए हैं ये एक दूसरी बात है। हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से वरुण धवन इन सारी चीज़ों से फिलहाल सबको थोड़ा सा अलग रख रहे हो। इसके अलावा खबर ये भी है कि अनिल कपूर और बोनी कपूर को भी नहीं बुलाया जा रहा है। अब आते हैं उस लिस्ट पर जो सबसे ज़्यादा आई कैची है और जो इसे बी टाउन की सबसे बड़ी गॉसिप भी बनाने वाली है। क्या है वो खबर? वो खबर है कि किन किन को बुलाया जा रहा है। तो जिन जिन को बुलाया जा रहा है, मेहमानों की लिस्ट जो मेरे पास आई है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि कई ऐसे नाम हैं जो ऑब्वियसली आप लोग भी जिनको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। कटरीना कैफ का इसमें नाम है, श्रद्धा कपूर का नाम है, आलिया भट्ट है, सलमान खान है, जैकलीन फर्नांडिस है, रणवीर कपूर सहित कुछ सितारों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा भी जिन नामों का जिक्र है उसमें अर्जुन कपूर का भी जिक्र है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नताशा की फैमिली से भी होंगे, जिनको शायद ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। और मेनली इसमें जो आजकल की जोड़ी है, खासतौर पर जिनके साथ वरुण धवन ने रिसेंटली काम किया है, उन्हीं लोगों को इस लिस्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि बुलाया जा रहा है। ऑब्वियसली करण जौहर को भी इसमें बुलाया जा रहा होगा, जिनका नाम अभी तक मैं इस लिस्ट में नहीं पढ़ पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि करण जौहर को इनवाइट ना दिया गया हो, क्योंकि पहला ब्रेक करण जौहर ने दिया था और बहुत अच्छी दोस्ती भी है, ये साफ तौर पर सामने निकल कर आता है। तो ये शादी आज है ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसकी तारीख, इसके मेहमानों की लिस्ट सब कुछ हमें पता है। इसके अलावा वेडिंग वेन्यू को की तरफ जाते हैं, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, इसको लेकर के भी हमने एक स्टोरी की हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आज शादी है, जो कि सोर्सेस पूरी हर तरफ चर्चा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। आप लोग भी शुभकामनाएं दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।